अगर अमल कम हो जाए इंसान का तो कम से कम तौबा कम नहीं होनी चाहिए। बड़े अमाल से बचाने वाली सिवाय तौबा के कोई नहीं है। नेकी में कमी को अदूर करने वाली तौबा के अलावा कुछ नहीं है। बल्कि फुकरात बड़े बड़े आ कहते हैं या अल्लाह हम तौबा ही कर, तौबा कबूल कर ले, हम अमाल से भी तौबा तो जो हमने बातें की उससे भी तौबा, आधी बात पर रियाकारी की थी, हम हर चीज तौबा करते हैं, पता कौन क्या करते रहे, हम इबादत क्या करते रहे, आधी इबादत लोग करते हैं दिखलावे की, लोग नहीं और लोगों की बात हो रही कि दिखाने की इबादत है, लोगों के सामने की इबादत है, और इबादत जो है इसके अंदर को रिया भी होती है। रिया का माना नुमाइश, अल्लाह के लिए जो इबादत न की जाए दुनिया के लिए की जाए, और बात का शरीयत के लिए भी की जाए, शरीयत अल्लाह तो नहीं है ना, निज़ाम है, आप समझ रहे, तो वो इबादत जो प्योर अल्लाह ताला की न हो उसमें रिया शामिल हो सकती है, और बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है, तो इसलिए उस इबादत से भी देख लो। और फिर आखिरी बार तौबा एक कश्ती है जो आपको दरियाए मासियत के पार ले जाती है। अगर आपका फैसला पक्का है कि मैं मासियत के दरिया में नहीं आना, कश्ती जला दो, फिर आखिरी तौबा से भी तौबा करना, यह आखिरी तौबा होती है, क्या है, तौबा से भी तौबा, दैट्स ऑल। तो इसके बाद मतलब यह है कि मुझे तौबा की जरूरत ही कौन है, अब तुम तौबा करते रहो, हम अल्हम्दुलिल्लाह में निकल गया, तुम अस्तगफुरुल्लाह में रहते रहो। वो कहाँ निकल गया, जैसे तौबा से भी तौबा कर ली, वो कहाँ चला गया, अल्हम्दुलिल्लाह सरचारी और शादाबी में चला गया, अब उसके लिए इस्तग़फ़ार का मकाम ही कोई है, बल्कि इस्तग़फ़ार से इस्तग़फ़ार करो, क्या कर रहे हो आप, किस बात की तौबा करते हो, गधे हो, पागल हो, क्यों तौबा करते हो, तो अल्लाह माफ़ कर दिया, जब माफ़ कर दे अल्लाह तो क्या करना चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। अब किस बात का डरता है, मोहब्बत के बाद, जब अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अब डर किस बात का, डर तो चोर को होगा। तो ये हमारे यहाँ को दिक्कत ये हुई है, हमें हर मकाम पर डराया गया है, मुझे मोहब्बत करो तब भी डराया गया, मोहब्बत करो तब भी डराया गया, सरचारी आने नहीं दी, लिहाजा तौबा से तौबा जो है ये आखिरी तौबा होती है। पहले गुनाह से तौबा, अमाल से तौबा, ख्याल की तौबा, निगाह की तौबा, कानों की तौबा, फिक्र की तौबा, कलम की तौबा, महफिल की तौबा, समाज की तौबा, कर ली, मुकम्मल हो गया, इर्द गिर्द का माहौल फिर क्या है, फिर तौबा से तौबा इसको यहाँ फेंको और अल्हम्दुलिल्लाह में सफर करते हुए निकल जाओ, चार दिन के मेले पर खत्म हो जाएगा, अब तौबा की कोई जरूरत नहीं है। जो शख्स तौबा अल्हम्दुलिल्लाह के जमाने में करता है वो फिर कोई बेवकूफ़ी होगा। तो लिहाजा ये एक मकाम आता है जब देखो कि फजल में दाखिल हो गए हो, फजल के अंदर तौबा नहीं कर ली, ये मैं आपको दिल में कहता हूँ आस्था से बात, ये मैं ऊंची आवाज नहीं कर रहा कि फजल में दाखिल होकर तौबा का मकाम नहीं है, वो तौबा जो होती है बुजुर्गों की और पैगंबरों की, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ही है, नए मकाम का शुक्र होता है, नए मकाम का शुक्र होता है। तो दर्स जो दिया पैगंबरों ने उम्मत के लिए कि तौबा आप करते रहा करो और माफ़ी मांगते रहा करो, और माफ़ करने का हुक्म क्या दिया कि एक दफ़ा साहब अकरा ने पूछा कि हम अपने गुलाम को आप इतनी माफ़ी का हुक्म देते हो, कितनी बार दिन में माफ़ फरमाएं, माफ़ करें, आपने कहा कि 70 मरतबा तो माफ़ कर दिया करो ना उसको, यहाँ तक कि गुलाम आका बन के सारे। सबसे आसान काम गिरफ्त से बचने का आसान फार्मूला यह है कि गिरफ्तार न करो, किसी को सजा न दो तुम्हें सजा नहीं होगी, माफ़ कर दो तुम माफ़ कर दिए जाओगे, आसान सी बात। जब आपने सबको माफ़ कर दिया, गलती की आपने तौबा कबूल कर ली लोगों अपने जूनियर्स की, तो फिर तुम्हारी गलती जो है वो भी माफ़ होगी, तो अल्लाह ताला जो है वो मेहरबानी फरमाने वाला है, अल्लाह ताला कहता है कि मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ। अब सब ऐसी बात है ना कि जब कोई आदमी मेरे लिए तौबा बर्तफ़ करता है तो मैं तौबा कबूल करने वाला हूँ, बल्कि तौबा का एहसास भी वो खुद ही देता है, वरना तौबा के अंदर इंसान नहीं आ सकता। तौबा का ख्याल जो है ना ये बड़ी रहमत की बात है, ये इब्तिदा है रहमत की, और फिर मुकम्मल कब होती है, जब तौबा का पैमाने टूट जाए। किताब तौबा जो है ना ये गलती करने वाला तौबा को कबू कायम रखता है कश्ती को, जिसे गलती का इरादा हो, जिसका इरादा ना हो किताब में तौबा देता होता है।